हाय फ्रेंड्स, आई एम रिशभ मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल मिश्रा जी टीवी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएल के 32th मैच की, जिसका मतलब मैच है जो वो है दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच में। तो उसकी ड्रीम 11 टीम दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप अपना फ्री में अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री में है। तो फ्रेंड चलिए अब ड्रीम 11 टीम देख लेते हैं हम अपनी, जो मैंने बना रखी है इस मैच की। तो वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी। और आपको जो मैं टीम देता हूँ वो टीम बहुत अच्छी देता हूँ, आप माने या ना माने, वो विनिंग टीम होती है मेरे हिसाब से। और मैं भी विन करता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, और मैं वो टीम बढ़िया ही देता हूँ। बाकी आपकी जो राय हो, अगर आपने अभी तक हमारी पुराने मैचों की टीम नहीं देखी, आप अभी नए हों तो आप जाके हमारी टीम देख लीजिए पुरानी वाली, कितनी टीम मैं कैसी कैसी देता हूँ। कुछ एक आध मैचों में हो जाता है, पर बाकी सारी आप देख सकते हैं मेरा रिकॉर्ड उठा के अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। सारी टीम विन हुई है, सब ने अच्छा विन किया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं टीम की। तो टीम में सबसे पहले बात आती है हम लोग ऊपर विकेट कीपर की। तो विकेट कीपर हमारे पास दोनों अच्छे ऑप्शन है, जॉस बटलर या फिर ऋषभ पंत। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर को ड्रॉप कर देते हैं, अभी कोई विकेट कीपर नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए ऋषभ पंत के 9.5 क्रेडिट्स हैं, जॉस बटलर के 9 क्रेडिट्स हैं। जिस हिसाब से हमारे पास क्रेडिट्स बचेंगे उस हिसाब से हम विकेट कीपर ले लेंगे। तो बात करते हैं बैट्समैन की। तो बैट्समैन में ये तीनों बैट्समैन ज़रूरी हैं, अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर। फिर बात करते हैं आप कोलिन मुंड्रो को ले सकते हैं या फिर पृथ्वी शॉ को ले सकते हैं। तो अभी इनको भी ड्रॉप करते हैं, अभी इनको भी नहीं लेते हैं, वो पॉइंट्स के हिसाब से देखिए कि आप टीम ऐसे ही बनाया करिए। बेन स्टोक को ले लीजिए, ज़रूरी है, बढ़िया है। ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छे प्लेयर हैं। बाकी आप कृष्णप्पा को थाम को ले सकते हैं, अगर क्रेडिट्स बचते हैं तो हम लोग लेंगे ही नहीं भी एक। और फिर बात करते हैं बॉलर्स में। तो बॉलर सबसे बढ़िया यही हैं दोनों, और एक ये है हमारे पास लियाम प्लंकेट। लियाम प्लंकेट को अगर आप लेना चाहें तो बहुत अच्छी ऑप्शन है। वैसे जयदेव उनादकट भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, उनको भी ले सकते हो। श्रेयस गोपाल लग लास्ट मैच नहीं खेले थे, उनकी जगह पे इस सोडी खेले थे, तो इनका भी कोई कंफर्म नहीं है। तो ये तीन बॉलर आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप अमित मिश्रा को लेना चाहें तो अमित मिश्रा को ले लीजिए, ये भी अच्छी ऑप्शन है। तो अब चलते हैं हम लोग और बैट्समैन देख लेते हैं। अगर हम लोग कोलिन मुंड्रो को देखते हैं तो हमारे पास क्रेडिट्स नहीं बचेंगे, इसलिए पृथ्वी शॉ को लेते हैं। ऋषभ पंत को लेते हैं तो अभी क्रेडिट्स नहीं बचेंगे, इसलिए जॉस बटलर को लेते हैं। राहुल त्रिपाठी भी अच्छा ऑप्शन है, राहुल त्रिपाठी को लेना चाहिए हम लोगों को, इनको मैं लूँगा। जोफ्रा आर्चर देख लीजिए, हर मैच में दोनों मैचों में अच्छा करा इन्होंने, तो इन्हें भी लेना जरूरी। टेन बोल्ट हालांकि नहीं कर पाते, कभी किसी मैच में अच्छा कर देते किसी मैच में नहीं। लियाम प्लंकेट भी बहुत अच्छे ऑप्शन, लास्ट मैच में बहुत बेकार कर दिया था इन्होंने भी, पर सबसे फर्स्ट मैच जो इन्होंने खेला था उस पर बहुत अच्छा किया था। तो हमारे पास ये कंफर्म नहीं है कि एस सोडी खेलेंगे या फिर श्रेयस गोपाल खेलेंगे। इन दोनों का अगर कंफर्म होता तो मैं इन्हें ले सकता था। तो मैं बॉलर को तो यही रखना चाहूँगा, हालाँकि ऑलराउंडर में अगर आपको चेंज करना है तो बेन स्टोक को ड्रॉप कर दो। बेन स्टोक को लेने के नंबर लेने के बाद आप यहाँ पर कोलिन मुंड्रो को ले लेते हैं, तो आपके पास एक क्रेडिट्स बच सकते हैं। पृथ्वी शॉ की जगह आप राहुल त्रिपाठी को ले लें तो भी ज़्यादा बेस्ट होगा। 8.5 में अगर कृष्णप्पा को थमा रहे बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, ये स्मॉल लीग के लिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट टीम होनी चाहिए, बाकी जैसा आप समझे वैसा करिए। मेरे हिसाब से ये टीम बढ़िया होगी। आप जॉस बटलर की जगह ऋषभ पंत को भी ले सकते हैं अगर आपका मन है, पर मैं नहीं ले रहा हूँ। संजू सैमसन भी अच्छा ऑप्शन है, जिनके रहाणे भी बढ़िया है। तो आप इसमें कैप्टन तो इन्हीं को बनाइए, वाइस कैप्टन आपके पास अच्छे ऑप्शन जो हैं ग्लेन मैक्सवेल, जोफ्रा आर्चर, संजू सैमसन, अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे को लो, हर मैच में खेलते हैं 20-25 रन हर मैच में बनाते हैं, 0 पे अभी कभी नहीं आउट हुए, हर मैच में इनका रिकॉर्ड रहा, कभी अच्छा तो कभी बहुत ही अच्छा। तो बाकी आप देख सकते हैं, बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा।
और अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस पर मैं आपको पूरी टीम दे देता हूँ। अगर कोई लास्ट मैच में चेंजेस होते हैं, लास्ट टाइम पे बिल्कुल कोई चेंजेस आता है तो मैं उसकी टीम दे देता हूँ आपको, कोई प्लेयर नहीं खेलता है। तो ये थी हमारी टीम फ्रेंड, देख लीजिए अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो फ्रेंड चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।